हेलो दोस्तों, आज मैंने कुछ फ्लावरिंग वाले प्लांट्स की शॉपिंग की है। मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं, ये पेंटास का प्लांट है और बहुत ही सुंदर है ये प्लांट, और परमानेंट फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसके मैंने तीन कलर लिए हैं। ये एक कलर है, पिंक कलर है ये, और सॉरी लाइट पिंक है ये, और ये है पिंक कलर का। इसके सारे फूल निकल गए हैं, इधर से झड़ गए हैं, और यहाँ पे इसकी फूलों की अभी ग्रोथ होने वाली है। तो ये एक फूल मैंने छोड़ दिया था कि मुझे दिखाना था कि ये कौन से कलर का है। ये डार्क पिंक है और यहाँ पे वाइट कलर का है। मैंने इसे पानी देने में थोड़ा लेट कर दिया, तो ये सुबह में यहाँ पे ऐसा हो गया कि फरवरी में इतना ज़्यादा धूप है, एकदम समर वाली धूप यहाँ पर हो रही है। तो अभी 9 बज रहे हैं सुबह के, और मैंने इसमें थोड़ा पानी देने में लेट कर दिया, और आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो गई है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये तीन कलर है पेंटास के, और उसके बाद है ये बिगोनिया। ये एक है पिंक कलर का बिगोनिया, और ये है वाइट कलर का। वाइट कम, ये क्रीम कलर ज़्यादा लग रहा है, और बहुत ही सुंदर प्लांट है ये। और ये पेंटास के प्लांट मुझे एक प्लांट 70 रुपीज़ में मिला है, और मैंने इसके तीन प्लांट लिए हैं, और ये बिगोनिया के मुझे 50-50 रुपीस में मिला है। और इसके बाद ये है, ये एक जरबेरा है, और ये भी बहुत सुंदर कलर का फ्लावर था, अभी तो मुरझा चुका है। इसके नए बर्ड्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके साथ फ्रेंड क्या हुआ था कि जब मैं इसे नर्सरी से ला रही थी तो मेरे हाथ से ये पॉट नीचे गिर गया, और सारा का सारा ये पौधा बाहर निकल के आ गया। असल में ऐसा होता है कि जब हम पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो उसे 2-3 दिन तक नहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अपने घर के माहौल में सेट होने देना चाहिए, उसके बाद इनको रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये उसी दिन मेरे हाथ से पूरा बाहर निकल गया। तो मेरे पास नया, मैंने कोई पॉट भी तैयार करके नहीं था, ना कोई सॉयल बनाया था, इसीलिए मैंने क्या किया, इसी में इसे फिर से रिपोर्ट कर दिया। तो मैं अभी तक फ़िलहाल इसे कुछ महीने तक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं इसमें ही इसे रहने दूँगी। और इसके नीचे रूट्स में छोटी सी एक बास्केट की तरह वो नर्सरी वाले लगा के रहते हैं, तो उसके रूट्स को पूरे वो कवर करके रहते हैं, तो उसे कट करके मैंने इसमें ही लगा दिया। और दूसरा ये है जरबेरा का, आप देख सकते हैं कितने सुंदर फ्लावर है। इसका कलर रेड कलर का है। इसमें वैसा प्लास्टिक वाला कोई बास्केट वगैरह नहीं है, ये नॉर्मली मिट्टी में लगाया हुआ है रूट्स को कवर करने के लिए। मुझे नहीं लगता इसमें वैसी प्लास्टिक वाला कुछ बास्केट होगा, अगर होगा तो उसे भी मैं रिमूव करके रिपोर्ट करूँगी। इस प्लांट को मैं रिपोर्ट करूँगी, और इन पॉट को मैं रिपोर्ट करूंगी। इस पेंटास के प्लांट को भी मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी, ये भी कहीं ना कहीं गिर के बाहर ही निकल के आ गया था, तो थोड़े दिन मैं इसे भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जब ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ में जाएगा तब मैं इसे निकाल के रिपोर्ट करूंगी। कनेर का पौधा है, इसमें मालूम नहीं कौन सी कलर का फ्लावर आएगा। मेरे पास एक भी कनेर का पौधा नहीं था, इसलिए मैंने ले लिया। जो भी कलर आएगा ठीक ही रहेगा, उसके बाद मैं देख के प्लांट्स लूँगी कि कौन से कलर का फ्लावर आ रहा है। तो ये पहला पौधा है, और ये भी 50 रुपीज़ का है, और बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, और सारे फ्लावरिंग वाले हैं। आप भी चाहे तो इन्हें नर्सरी से ले सकते हैं, और बहुत ही कम रेट है। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।